चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं नाम नितीश। तो आज की वीडियो में बात करूँ कि देना बैंक में बैलेंस चेक कैसे करें। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी ने काफ़ी कमेंट्स करे थे कि देना बैंक में कैसे पासबुक चेक कर सकते हैं, कैसे बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, कितना मेरा पैसा है, कितना इंटरेस्ट बढ़ा, कितना मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ सारे देना बैंक के बारे में, कि जो कि आप देना बैंक में बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। अगर आप पासबुक अपडेट कराना चाहते हैं बैंक में, तो काफ़ी आपको लाइनिंग का तार में लगना पड़ता है और वगैरह वगैरह प्रोसेसिंग करता है। अगर आप मतलब कि वो बोलता है कि अभी नहीं कर सकते हैं, अगर बाई चांस आपने प्रेशर बना दिया भी कि मेरे को नहीं चाहिए चाहिए, तो वो बोल सकते हैं कि आधा घंटा रुकिए, एक घंटा रुकिए, मतलब कि काफ़ी वगैरह वगैरह। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि घर बैठे ही चेक कर सकते हैं बैंक बैलेंस। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ उसे टच कर दीजिएगा। बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल यानी एक घंटी के निशान, उसे टच करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें तो घंटी की जरूरत दबे। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको सिंपली मिल जाएगा, जो कि आपको हम दिखाते हैं। उसका लोगो आप देख सकते हैं, आपको सिंपली सर्च करना है प्ले स्टोर में बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर दिया है, ये जरूरी नहीं कि चौथे पे करे, तीसरा दूसरा किस भी कर सकती है। एप्लीकेशन से सिंपली एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ऑल बैंक होगा, सिंपली ऑल बैंक पर करना है क्लिक। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपको बैंकिंग आ जाएगा, बट यहाँ पर देना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है देना बैंक, ठीक है, DENA, ठीक है, देना बैंक। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, अपना देख लीजिए देना बैंक कहाँ है, बहुत सारा आपको बैंक मिलेगा। तो देना बैंक खुल गया, तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर तीन तरह का नंबर, जैसे कि बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, कस्टमर केयर, ठीक है। तो आपको इस नंबर पे मिस कॉल करना है, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। आपको इस नंबर पर मिस कॉल करना है। अब कैसे करना है, कैसे शो करेगा, वो आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका देना बैंक में अकाउंट है, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी घर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनना है, तो आपको मोबाइल नंबर उसमें लिंक होगा, तो उसी मोबाइल नंबर से इस नंबर पे आपको मिस कॉल करना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसी मोबाइल नंबर से इस नंबर पे मिस कॉल करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जो मेरा नंबर लिंक है बैंक में, ठीक है। आपको यहाँ पर एक एसएमएस करना है, मोबाइल करें घर से रिचार्ज पाए, जैसे कि यहाँ पर मिस कॉल चला गया, ऑटोमेटिक कट हो चुका है, ठीक है। ये ऑफिशियल नंबर है, तो ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। फिर से आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैसेज आप प्राप्त हो चुका है, डियर कस्टमर केयर, द बैलेंस फॉर अकाउंट नंबर इतना इतना, आपका एसएमएस प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा है मेरा लास्ट का 4 डिजिट के अकाउंट नंबर, यहाँ पर NIR इंडिया करेंसी, आपका इतना बैलेंस बैंक में है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब नहीं चेक भी कर पा रहे हैं, तो आप एक बार कस्टमर केयर से अपने बैंक के बात कर लीजिए, आपको सावधान मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक बाय।